नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इस टेस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हीमोग्लोबिन हमारे खून में प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन हमारे खून में लाल पेशी यानी कि RBCs में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों में से यानी कि हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन कलेक्ट करके हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हीमोग्लोबिन अलग अलग तरह का होता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इस टेस्ट के द्वारा अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन की लेवल का मेजरमेंट किया जाता है। ज्यादातर इस टेस्ट के द्वारा अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को डायग्नोस किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन की कई टाइप्स में से नॉर्मल टाइप्स होते हैं हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन ए ये इस टाइप का हीमोग्लोबिन हेल्दी एडल्ट्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एफ यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन एक नवजात शिशु में यानी कि न्यूबॉर्न बच्चे में पाया जाता है। जन्म के कुछ समय के बाद ये फीटल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ए से रिप्लेस हो जाता है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन के भी कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन एस सिकल सेल डिजीज के लिए या फिर सिकल सेल अनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन का शेप एक दरांती यानी कि हुक की तरह हो जाता है, हुक शेप में। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो सही से कैरी नहीं कर पाता, लेकिन ये ऑर्गन्स में भी नहीं पहुंच पाता। हीमोग्लोबिन सी ऑक्सीजन को अच्छी तरह से इफेक्टिवली कैरी करने में एक बहुत ही नाजुक हीमोग्लोबिन माना जाता है। फिर होता है हीमोग्लोबिन ई। यूजुअली हीमोग्लोबिन ई की वजह से किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं हो पाती। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक ऐसी ब्लड टेस्ट होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक करंट को ब्लड सैंपल में पास किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट ब्लड सैंपल में पास किया जाए तब अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ऐसी प्रोसेस में हर एक टाइप के हीमोग्लोबिन को अच्छी तरह से हम मेजर आउट कर सकते हैं। हर एक टाइप की हीमोग्लोबिन को जब हम मेजर कर पाए तब हम हीमोग्लोबिन की डिफॉर्मिटीज के एसोसिएटेड बीमारियों को अच्छी तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल डिजीज या फिर कोई और हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। कुछ देशों में हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेस्ट जन्म के तुरंत बाद ऑर्डर की जाती है। एक शिशु में कोई हीमोग्लोबिन रिलेटेड अगर कोई बीमारी पाई जाए तो ये बीमारी तुरंत ठीक करने का, तुरंत ट्रीट करने के लिए शुरुआत की जा सकती है। अगर किसी में हीमोग्लोबिन की लेवल कम पाई जाए तो उसकी वजह से उन लोगों में अनीमिया जैसे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैर एकदम ठंडे हो जाना, हाथ और पैर बहुत ज्यादा पेल नजर आना। अगर बच्चों की ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही हो तो उन बच्चों में भी अनीमिया होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होता है। हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर इस खून के सैंपल को लेबोरेटरी में स्टडी किया जाता है। यूजुअली इस टेस्ट के साथ कोई रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड नहीं होते। इस टेस्ट से कोई साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड नहीं होते। इस टेस्ट के लिए कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेस्ट के द्वारा अलग अलग टाइप की हीमोग्लोबिन की लेवल कितनी है ये मेजर किया जा सकता है। किस हीमोग्लोबिन की लेवल कम है या ज्यादा है उस पे डिपेंड करता है कि उस इंसान में कौन से टाइप का अनीमिया है, कौन से टाइप की बीमारी है। अलग अलग टाइप की बीमारियों में इस टेस्ट के द्वारा कुछ ऐसी बीमारियों की डायग्नोसिस हो सकती है, जैसे कि थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता। फिर आता है सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट में
एक जीन नॉर्मल होता है और एक जीन सिकल सेल वाला होता है। फिर होता है सिकल सेल डिजीज। इन लोगों में हीमोग्लोबिन का शेप सिकल की तरह यानी कि दरांती की तरह होता है, एक हुक की तरह होता है। फिर आता है हीमोग्लोबिन सी डिसऑर्डर। इसमें माइल्ड एनीमिया नजर आता है और स्प्लीन में सूजन नजर आती है, एनलार्जमेंट नजर आती है। फिर होता है हीमोग्लोबिन एस सी, ये भी सिकल सेल डिजीज का एक वेरिएंट होता है। ऐसे अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड बीमारियां हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेस्ट के द्वारा डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आपको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेस्ट का सुझाव दिया गया हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।